अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, और आजकल मौजू गुफ्तगू महंगाई के हवाले से है, महंगाई के हवाले से बात हो रही है और साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रहती है। और मौशी मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो एक के बाद एक मसला सर उठा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेट्रोल की जो किल्लत है ये एक मसला बन चुका है, दीगर मसाइल अपनी जगह है। अब ये मसला बन गया है, बना दिया गया है, ये क्या है ये समझना ज़रूरी है। सप्लाई के हवाले से कोई मसाइल नहीं है, निजी जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी जानिब से भी ये खबर आई है और ये चलाया भी गया है खबरों के अंदर कि जनाब किसी भी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। अनइंटरप्टेड सर्विस जो है वो पहले भी बहाल थी और अब भी बहाल है, लेकिन उसके बावजूद पैनिक की एक सिचुएशन नज़र आ रही है। रात गए से हमने देखा लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल पंप्स के बाहर जमा है, जबकि वहाँ पर ना किसी किस्म की कोई किल्लत है, ना बंद होने की कोई अभी तक बात हुई है। बहरहाल इस मौजू के ऊपर बात करना ज़रूरी है, आगे चल के उसके ऊपर बात की जाएगी और जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है, जैसा आपके पैगाम हमें मौसूल होता है। मईशत के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कुछ मामलों पर, आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आज बात होगी। ये जो हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारी मौशी हालात हैं, इसमें बेहतरी कैसे लाई जाए, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बिला ताखीर उन्हें मैं खुश आमदेद कहूँगा और उसके बाद ये गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर रिज़वान, एनालिस्ट हैं, तज़ियाकार हैं और पाकिस्तान से बाहर काफ़ी अरसे से मुकीम हैं, यहाँ पर हमारी खसूसी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है इस हवाले से। डॉक्टर रिज़वान को खुश आमदीद। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, आप उन्हें हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और ख़ास तौर पर मौशी मामलात इस हवाले से हमें बात करने का मौका मिलता है और मामलात को समझने का मौका मिलता है। बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं शहर कराची की, KCCI कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के साबिक प्रेसिडेंट भी रहे, इसके अलावा बड़े अहम उहदों के ऊपर आप रहे हैं शारिक वोरा साहब, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। शारिक साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सिचुएशन आपके सामने है, आप माशाल्लाह काफ़ी वक्त अब आपको यहाँ पर हो चुका है, सूरत हाल आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, यकीनन पाकिस्तान से बाहर भी आप तमाम चीज़ें देखते हैं। ये जो मसाइल जो खुद साख्ता पैदा किए गए हैं या जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं बेहतरी कैसे लाई जाए? तनकीद का निशाना बहुत ज़्यादा हुकूमतों को इस वक्त भी बनाया जा रहा है और इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि मसाइल को हल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, ये एक आम आदमी का सवाल है कि जो अमूमी हालात आपको नज़र आ रहे हैं ख़ासतौर पर जो मौशी हालात हैं, बेहतरी कैसे लाई जाए, ये महंगाई का जो बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला है बंद कैसे बांधा जाए, ये ज़रा चाहूँगा इस पर गुफ्तगू की जाए। अच्छा, ये आपने बहुत लंबा टॉपिक ठीक है, और इसको अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल हो सकती है, हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, एक तो मसला ये कि हमारे यहाँ आमतौर पे एक माशी समझदारी का फुकदान है। हमारे यहाँ लोग मईशत से बात करते हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, और हमारे यहाँ मुंशी बात करते हैं जो कि बहुत सही बात है, लेकिन जाहिर बात है कि हर एक का एक अपना काम है। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि एक इंजीनियर आपको इंजेक्शन दे सकता है तो फिर जाहिर बात है ऐसी सोच पे हमें बहुत पड़ेगा। बहुत अच्छा, फिर इसके बाद हम आगे लेके चलते हैं कि हम खुद क्या कर रहे हैं। अगर हम देखें अभी अपने हालात को तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी पिछले 20-30 साल में उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊपर चला गया है। अच्छा, इसकी बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे नाजरीन भी जो देख रहे हैं अपने वो ख़ानदान में किसी भी नॉट वेल टू ऑफ फैमिली जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको भी देख लें मिसाल, तो उनके घर में हर बड़े के पास कम से कम एक मोबाइल फ़ोन होगा। तो अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं तो तकरीबन 1 लाख रुपये आपने मोबाइल फ़ोन पर खर्च कर दिया। अच्छा, अब इकॉनमी में इसको हम कहते हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं नीड्स को। एक आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं, एक कम्फर्ट्स होते हैं, एक लग्जरीज होती हैं। अब अगर आप अपनी लग्जरीज को नेसेसिटीज बना लें देन देयर इज नो एंड टू दैट, फिर वो आप जो है ख्वाहिशात जो एंडलेस होती है। बिल्कुल, वो जो एक शायर ने कहा है ना कि हजारों ख्वाहिशें हैं सी के हर ख्वाहिश में कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले, तो ये एक इशू है। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं मुंशियों की,
अकाउंटेंट्स की, तो उनके उनके लिए हर चीज एसेट्स है. लेकिन अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं और नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं. अभी मैं जब मैं आ रहा था यहाँ स्टूडियो तो वहाँ पे एक इश्तेहार मैंने रेडियो पे सुना कि जी कोई फाइनेंसिंग की कोई जबरदस्त स्कीम बताओ, गाड़ी खरीदनी है. अब जहाँ पे कौम का मिजाज अगर इस तरह बन गया है कि मोटरबाइक्स, कार और बाकी लग्जरीज को हम, या जो उसको नेसेसिटीज भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको फाइनेंसिंग पे लेंगे तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी. अच्छा, अब उस सूरत में होगा ये कि फिर या तो आप स्पेंडिंग करें. अब हमारा डायलेमा ये है कि हमें स्पेंडिंग भी करनी है, सेविंग भी करनी है. ठीक है, अगर आप यूएस की नेशनल एवरेज सेविंग देखें सो दैट इज नो मोर देन 4%. वहां पे जो वो अर्न करते हैं उसी में खर्च कर देते हैं, देन दे गो पे चेक बाय पे चेक. हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने पैसे खर्च भी करने, हमने जमा भी करने और हमें लग्जरीज भी चाहिए, तो ये इश्यूज के अंदर है. अच्छा, अगर इकॉनमी सूरत महंगाई को अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में महंगाई है और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है. इसमें सी फ्रेट का एक बहुत बड़ा रोल है. हमें क्योंकि आदत हो गई है इम्पोर्ट्स, इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर जाने की. अभी अगर आप बात करें, कोई भी आपको पाकिस्तानी चीज़ें खरीदता हुआ नज़र नहीं आएगा. और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया, कल्चर भी नहीं है हमारा, ये कल्चर भी नहीं है हमारा. तो जब आप इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदेंगे तो जाहिर बात है कि आपका इसका प्रेशर डॉलर के ऊपर आएगा. ठीक है, अब डॉलर के जो प्राइस ऊपर जा रहे हैं जिसको हर हर एक बात कर रहा है, तो उस पर कोई ये बात नहीं कर रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई की क्या सिचुएशन है. ठीक है, पिछले 10 से 15 साल के दौरान बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से बाहर गई, खासतौर पे बांग्लादेश में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गई. अब वो जब वापस आएंगी तो आपको कैपिटल गुड्स में उसकी आप चाहिए. इम्पोर्ट्स अगर आप देखें, ऑटो मोबाइल इम्पोर्ट्स जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, ट्रैक्टर, बसें, गाड़ियाँ वगैरह, वो 53% इंक्रीज़ हो गई हैं लास्ट एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर. तो ज़ाहरी बात है आपके पास चीज़ें आ रही हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका उस पर डॉलर पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है. तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई, जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो उसके प्राइस ऊपर चलेगा. सिंपल सी बात है. अच्छा, फिर हम अगर एक आम पाकिस्तानी को देखें तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे आमदनी क्या है और हमारे खर्चे क्या हैं. तो हम हमेशा बात करते हैं कि जी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं. हम अदर साइड पे नहीं देखते कि हमारी आमदनी कैसे बढ़ेगी. ठीक है, अब अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ सकती तो फिर ब्लेम दिया जाता है कि जी हालात ऐसे हैं कि आमदनी नहीं बढ़ सकती. अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ सकती है तो फिर आप खर्चों को कंट्रोल करें. कंट्रोल करें, बिल्कुल ठीक है. अगर खर्चों को कंट्रोल नहीं करते तो फिर आपके पास ये सारे मसले मसाइल होंगे. मैं हमेशा प्रपोज करता हूँ और लोगों को मैं इनकरेज भी करता हूँ कि आप अपने, अगर आप खर्चे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी कहीं पे बचत हो. अच्छा, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि या तो बहुत बड़ी चीज होगी या फिर कुछ भी नहीं होगा. ऐसे ही, हम छोटे स्केल पे कोई काम करने को तैयार नहीं है. नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि आप 5 गमले अपने घर में रख लें, उसमें किचन गार्डनिंग करें, मिर्चें, धनिया, पुदीना आप अगर घर पे लगाएं, तो उस पे सवाल आता है कि जी इससे क्या बचत होगी. अब इसको आप सिंपल आप ये देख लें कि अगर आप रोजाना 5 रुपए की मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं तो साल के 365 दिन में आपकी कितनी की मिर्चें आपकी इस्तेमाल हो गई हैं. ठीक है जी, सो दैट्स वेरी सिंपल, आई मीन इट्स नो ब्रेनर. अच्छा, अब वो बात होगी कि जी 2000 से हम क्या बचा लेंगे. तो वही 2000 जब नहीं होंगे आपके पास तो देन यू विल फील कि किस तरह. बिल्कुल ठीक है, तो आपको अपनी सोच में तब्दीली लाना पड़ेगी और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट जो है वो स्लोली और ग्रेजुअली नजर आएगी, लेकिन आएगी जरूर, दैट इज फॉर श्योर. शरीफ साहब, ये जरा फरमाइएगा, अब जैसे डॉक्टर साहब ने एक चीज़ की निशानदेही की है कि आपको अपने अखराजात को कम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के ऊपर अगर ये बात रखकर देखी जाए कि वो लोगों को ये दर्स देते हैं कि आप जो है वो अपने अखराजात कम करें और आमदनी के ज़राए बढ़ाएं. अब हमारे लिए मसला ये है कि हमारे जैसे मुल्क की इकॉनमी में आपको 6,000 अरब रुपए निकालने भी हैं, एक्सपेंडिचर भी कम नहीं करना, तो मामला बैलेंस कैसे होगा ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि ये एक बड़ा आम सा सवाल है. लोग सोशल मीडिया के ज़रिए सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि आप ऑस्टेरिटी की बात तो करते हैं लेकिन फिर ख़ुद क्यों उसके ऊपर अमल नहीं करते. ये जो अपना अपना एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा लिया है, कैसे आपका रेवेन्यू साइड के ऊपर इजाफा होगा, कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे, फरमाइए. बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका यासिर ताल्लुक है बुनियादी तौर पर गवर्नेंस से. गवर्नमेंट में जितने डिविजन्स हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, उस मिनिस्ट्रीज में जितने लोग हैं, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दिया. अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो
फेडरल लेवल पर हों, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पर हों, चाहे वो लोकल लेवल पर जितनी गवर्नमेंट्स हैं, हम रोज़ सुनते हैं कि फ़लाँ मिनिस्ट्री में इतने घोस्ट मुलाजमीन हैं, इतने लोग हैं जो तनख्वाह के पेरोल पर हैं लेकिन वो अपने ऑफिस में काम नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पैसे का ज़िया हो रहा है वो गवर्नमेंट लेवल पर ज़्यादा हो रहा है, बल्कि शायद अगर मैं ये कहूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर में या जो आम आदमी है, किसी भी तबके से उसका ताल्लुक हो, चाहे वो रिच क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, वो अपने फाइनेंसेस जो है अपने ज़राए आमदन के हिसाब से बड़े बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। प्रॉब्लम गवर्नमेंट्स के साथ है, इसलिए कि वो टैक्सपेयर का पैसा है, वो IMF से कर्ज लिया हुआ पैसा है, वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया हुआ पैसा है, वो डेफर्ड पेमेंट जो सऊदी अरेबिया ने दी हुई है वो उसका बचा हुआ पैसा है, जो कि गवर्नमेंट जो है वो अपने अफसरान और अपनी अयाशियों पर खर्च कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा लीडरशिप में सोच पैदा हो जाए कि हमको गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उसको कम करके और हमने उसके लिए डेवलपमेंट स्कीम्स में पैसा वापस डालना है, आई थिंक देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। अब सिचुएशन ये है कि आपने उस दिन अखबार में पढ़ा होगा कि पिछले 15 साल में या गालिबन 25 साल में गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के डिविजन्स जो हैं वो बड़े हैं, कॉरपोरेशंस बढ़ी हैं, कमेटीज बढ़ी हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है पूरी ब्यूरोक्रेसी की एट एवरी लेवल वो कम हो गई है। अब प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, अखराजात पैसे का ज़्यां हो रहा है और तवक्का ये की जाती है कि जी आप कहें कि ऑस्टेरिटी, एक गरीब आदमी जिसको बिजली का बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है, ट्रांसपोर्ट है नहीं, खुसूसन कराची जैसे शहर में जहां पर पिछले 25 साल में लाखों 20 लाख लोग रोज, शायद इससे भी ज़्यादा लोग कम्यूट करते हैं, यहां पर कोई रेलवे नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, और फिर हम कहते हैं कि जी ये मोटरसाइकिल्स का एक तूफान है और उसकी वजह से हमारी जो पेट्रोलियम की इंपोर्ट्स हैं उस पर बर्डन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ताल्लुक है गवर्नेंस से, मैनेजमेंट से। अगर गवर्नमेंट में इतनी अवेयरनेस हो जाए कि वो कहाँ से उनको पकड़ना है, सिरा कहाँ से शुरू करना है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गवर्नेंस है। गवर्नेंस अगर बेहतर हो जाएगी तो बहुत सारे जो हमारे अखराजात हैं वो कम हो जाएंगे, और इसके अलावा जो हमारा रिलायंस है फॉरेन एड पर वो भी कम हो जाएगा। मसलन आपके ही प्रोग्राम में एक दफ़ा डिस्कस हुआ था कि कराची जैसे शहर में जहां रोज़ हज़ारों मोटरसाइकिल्स इंडक्ट हो रही हैं सड़कों पर, वहां अगर एक अच्छा फाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाए तो आपकी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है कराची की वो हाफ हो जाएगी। और कराची आपका सबसे बड़ा मुल्क का शहर है, सबसे प्रोडक्टिव सिटी है, तो अगर कराची जैसे शहर में आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो आधी हो जाएगी तो यू कैन इमेजिन कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह आपकी फ्यूल इंपोर्ट्स कम हो जाएगी। और जब आपकी फ्यूल इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा तो आपने आज जो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि 4 रुपए से भी ज़्यादा पर यूनिट आपको इलेक्ट्रिकल पावर टैरिफ को बढ़ाना है। जिसमें वो कहते हैं कि जी अभी हमने एग्री किया है सिर्फ शायद 1.96 रुपीस, तो वो 1.96 पर बात रुकेगी नहीं जी, वो अभी 1.96 हो जाएगा यहाँ पे, और एंटिसिपेट यही जी है और नेक्स्ट क्वार्टर में वो बाकी जो बैलेंस है उसको वो इनक्रीज कर देंगे। अब ये ऐसी कहते हैं ना कि विशेष सर्कल है जिसमें कि हम बहुत अरसे से फंसे हैं, नॉट दिस गवर्नमेंट, नॉट द प्रीवियस गवर्नमेंट, बट मेनी गवर्नमेंट्स बिफोर दैट आल्सो, और उसकी शायद वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। ऑलराइट वोरा साहब, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ मीशत के हवाले से, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मसाइल का हल कैसे तलाश किया जाए। वोरा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। शारिक वोरा साहब ने कुछ देर पहले बड़ी अहम गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने निशानदेही की है कि अगर गवर्नेंस को बेहतर बना लिया जाए तो यकीनन सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अब एक आम पाकिस्तानी, एक आम देखने वाला प्रोग्राम जो सवाल करता है हमेशा, वो ये कि ये IMF के प्लान में रहते हुए कैसे प्रोग्रेस हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है, डॉक्टर रिजवान यहाँ पे मौजूद है, उनसे कुछ बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले इस हवाले से। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये एक वेशस सर्किल बन चुका है ये IMF का प्लान, फिर ये आपकी जो है वो फ्री पेमेंट्स, और फिर आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर इससे बाहर नहीं निकलेंगे और फिर ये जो कि हमारे पास इससे पहले जो लाइबिलिटीज़ हमने इनहेरिट की हैं, वो आपका पावर जो प्लांट्स हैं उनकी जो PPPs उनको कहते थे पहले, अब वो IPPs कहलाते हैं, उनकी पेमेंट आपको करनी है, वो आपने जो है वो ओन कर ली, तो ये मामला अगर रिजॉल्व नहीं होंगे तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि समझ ये आता है कि IMF के प्लान में एटलीस्ट रहते हुए आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, और अगर उनकी कंडीशंस जिस तरह की वो लगा रहे हैं, अगर आप उनको इसी तरह यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल इतने आसान नहीं होंगे, बल्कि उसमें मज़ीद इजाफा होता जाएगा। आप इसके ऊपर क्या तजवीज़ करते हैं? जी वोरा साहब ने कई ज़बरदस्त बातें की हैं, उनमें से कुछ चीज़ों पे अगर हम देखें तो जब तक आप अपनी इकॉनमी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे ठीक है, आगे नहीं जा पाएंगे ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जो मैंने पहले भी एक बात की थी कि इंडस्ट्री 4.0 या स्मार्ट इंडस्ट्री ऑफ जो टाइम, दिस इज नॉलेज इकोनॉमी, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो पहले नहीं तस्वुर किए जा सकते ठीक है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अब जैसे आमतौर पे पहले होता था कि आपको डिग्री चाहिए, yes. अब डिग्री यूजलेस होती जा रही है जी। आहिस्ता आहिस्ता लोग अब जा रहे हैं स्किल्स पे कि अगर आपके अंदर स्किल है तो आप उसको आगे लेके जा सकते हैं राइट राइट। और अभी हमने देखा भी कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो हमें उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अब बात होती है कि हम सबसे पहले जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनका होता है कि जी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, यस। तो अब गवर्नमेंट ने ना पहले कभी सपोर्ट किया है ना कहीं और भी गवर्नमेंट कोई ऐसी इनिशिएटिव होते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट इदारों को सपोर्ट करे या इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करे right. तो अब उस सूरत में हमने खुद इनिशिएटिव क्या लेना है right. अच्छा अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि पिछले 30 से 35 साल में हमने एक ऐसी कौम तैयार की है जिसका सिर्फ एक ही मतलब नज़र है कि सबसे पहले गवर्नमेंट की नौकरी, उसके बाद प्राइवेट नौकरी जी, और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर जो है ना वो कहीं कोई काम कर लिया जाएगा, कोई काम कर ठीक है थर्ड ऑप्शन है। तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं लेके आएंगे अपने करिकुलम के अंदर, अपने माइंड सेट के अंदर राइट, तो आपके पास ये मसले मसाइल रहेंगे। अच्छा बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ जो पूरी दुनिया में लोगों ने किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वियतनाम में एक साहब ने एक कंप्यूटर गेम बनाया फ्लैपी बर्ड के नाम से, उससे वो $50,000 पर डे अर्निंग कर रहे थे। सो दिस इज समथिंग दैट हमारा यूथ जो हमारे पास शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज पाकिस्तान में यूथ की है, उसको हम इनेबल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठीक है। अब जैसे एक ज़िया साहब हैं, उन्होंने PIAIC के नाम से पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग के नाम से एक उन्होंने स्टार्ट किया जिसको प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब उसको पैटर्न है उसके, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, उसके बाद फिर आप उसको आगे लेके चलें। इस तरह के और इनिशिएटिव्स भी आए ताकि जो हमारा एक इसमें मोनोपोली है उन इदारों की जो कि सॉफ्टवेयर को अपने आप को किंग समझते हैं, तो उनको वहां से हटाया जा सके ठीक है, और ये फिर पूरे इकोनॉमी में स्प्रेड हो, बजाय कि हम एक बड़ा यूनिट बनाए हम इनेबल करें इंडिविजुअल्स को एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे साथ मौजूद हैं कि जहां पर हमने एंटरप्रेन्योरशिप को जब प्रमोट किया या हमने सॉफ्ट लोन देना शुरू किया, माइक्रो फाइनेंसिंग को हमने प्रमोट किया, तो उसके रिजल्ट्स बड़े बेहतरीन आए हैं। और सब इसके ऊपर मैं चाहूँगा मजीद इजाफा ये किया जाए कि अब ठीक है, अब आपके पास जो इकोनॉमिक सिचुएशन है आपको हैंडल करनी है, कि ये बहुत मुश्किल काम है, जैसे हम कहते हैं कि क्या ये इतना ही मुश्किल है कि व्हील आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा, जो पॉलिसीज आपको डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, प्लस ये कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए और सस्टेनेबल प्लान होना चाहिए कि जो आगे भी इस हुकूमत के बाद एग्जीक्यूट करता रहे, फिर जाकर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उन्हें शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप साल डेढ़ साल दो साल पाकिस्तान जैसे किसी भी मुल्क के अंदर अगर इस तरह के इकोनॉमिक प्लान्स होंगे रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Definitely, Yasir, situation is very complex. Yes.
इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और हम अगर ये कहें कि इसमें कोई छोटी छोटी शॉर्ट टर्म के मेजर्स लेके हम जी उसको ठीक कर लेंगे तो वो कतन ठीक नहीं हो सकते, इसलिए कि पाकिस्तान का जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में अगर फ्लॉ है तो फिर कैसे आप छोटे छोटे इकदाम से इतनी बड़े इकोनॉमी को, जो कि 22-23 करोड़ का मुल्क है और उसकी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स जो है वो बेतहाशा है और उसके पास देर इज़ नॉट मच टू एक्सपोर्ट, जिसकी के एक्सपोर्ट भी डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, और प्लस आपको पता है कि हमारे यहाँ एक अनस्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम है, कंसेंसस जो है वो किसी चीज़ पर नहीं है और आए दिन हम किसी न किसी इंतजार का शिकार हैं, चाहे वो इकोनॉमी में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो। आज ही की मिसाल ले लीजिए, पूरे कराची में कल लोग लाइनें लगा कर पेट्रोल स्टेशंस पे ढूंढ रहे थे कि सुबह ऑफिस कैसे जाएंगे, बिल्कुल फैक्ट्री कैसे चलेगी। तो हमारा एक रवैया ये बन गया है कि हम वक्त पर फैसले नहीं करते, और जितनी बिजनेस और इंडस्ट्री है वो इस माइंडसेट में आ गई है कि जब तक एहतजाज नहीं होगा, हड़ताल नहीं होगा, जी उस वक्त तक गवर्नमेंट जो है वो सुनेगी नहीं। बिल्कुल ठीक तो है इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम, जैसा मैंने पहले कहा जी। कि हमारी गवर्नेंस कितनी बुरी हालत में है। और ये हकीकत है कि लोग जब तक सड़कों पर नहीं आते, मीडिया आप लोग नहीं आते, खुदा ना खास्ता जाने जाया नहीं होते, जख्मी नहीं होते, तो बात जो है वो आगे नहीं आगे बढ़ती। नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये है कि जो इनडिसिशन है, फॉर एग्जांपल अगर आज पेट्रोल पंप्स के लोग इसलिए हड़ताल कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारा जी जो मार्जिन्स हैं मार्जिन वो उनको बढ़ा बढ़ाएं, दिया जाए। अब वो अगर गवर्नमेंट से पिछले 2 साल से बहस कर रहे थे जी या बात कर रहे थे या जी नेगोशिएट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के लेवल पे तो वो 1 या 2 मीटिंग्स में डिसाइड हो जाना चाहिए बिल्कुल था। ठीक है। क्यों इस सिचुएशन को आप इस सिचुएशन पर लेकर आ गए जहां पूरा मुल्क बंद होने का खौफ हो गया, बिल्कुल ठीक है। आपकी बदनामी हो गई, प्लानिंग सारी खराब हो गई। तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक देर इज नॉट अ सोल्यूशन, और पाकिस्तान चाहे ये हुकूमत या आइंदा आने वाली हुकूमत, हमको असेंबली में, सेनेट में बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना होगा। जितनी जल्दी साइन हो जाएगा, जितनी जल्दी हम कड़वा घूट पी लेंगे और जो अनपॉपुलर डिसीशंस हैं वो हम ले लेंगे, चाहे वो टैक्सेशन के हवाले से हो, चाहे वो इम्पोर्ट के हवाले से हो, और चाहे वो हमारी IMF की कंडीशंस के हवाले से बिल्कुल हो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। वरना यही होगा कि IMF हमारी पावर स्ट्रक्चर के रेट्स डिसाइड करेगा, फिर IMF कहेगा कि आपका टैक्सेशन जो है, बल्कि ऑलरेडी वो जी सारी जो डिक्टेशन है वो दे रहे हैं, कि रुपी सो डॉलर मच की सो पैरिटी क्या के होनी चाहिए। क्या होनी बल्कि चाहिए। कल मैं जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल पढ़ रहा था, जी तो वो पढ़ने के बाद तो आप खौफ में आ जाते हैं कि ये हम क्या सॉवरन स्टेट हैं, और अगर IMF ने ही हमारी ये चीज़ों पर फैसले करने हैं तो फिर हमारी गवर्नमेंट का और रोल हमारी क्या रह स्टेट जाता का है, खास रोल तौर पे क्या रह हेल्म जाता अफेयर्स के अंदर अगर वो नहीं होगा। है। एग्जैक्टली तो दीज बिल्कुल। आर बट होपफुली हम बड़ी वाइब्रेंट नेशन है इंशाल्लाह, और तमाम मुश्किल वक्तों में हमने बड़ा अच्छे तरीके से नबर्दाजमा हुए हैं। तो इस इकोनॉमिक चैलेंज को, जो कि मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक आई हैवेंट सीन वर्स्ट सिचुएशन देन द वन वी आर गोइंग ऑन, बिल्कुल ठीक। तो इससे किस तरह से हम बाहर आएंगे वो हमारी पूरी कौम का एक रेजोल्यूट कमिटमेंट भी होगा, और प्लस डेफिनेटली एक अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप, दुआ है मेरी कि वो उभरे बिल्कुल और वो आकर एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम के लिए काम करें। बिल्कुल ठीक है। लास्टली डॉक्टर साहब, अब बड़े डिटेल टॉपिक हैं इकोनॉमी के हवाले से, किसी एस्पेक्ट के ऊपर बात करें तो बड़ी डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर होती है। अच्छा जी, अब ये प्लान के हवाले से आया, क्या हम कोई प्लान रेप्लिकेट कर सकते हैं जो यहाँ पर लेकर आए, उसको इंट्रोड्यूस कराएं, उससे मामला हल हो सकता है? अब साइंस ये कहती है कि लोगों को मिजाज को समझना होता है और उसके मिजाज के मुताबिक पॉलिसी आपको मुरतब करनी होती है। तो
तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, आप क्या समझते हैं, ये फरमाइए कि क्या किसी मुल्क से प्लान ला के अगर यहाँ पर चला दिया जाए तो क्या ये सिस्टम चल सकता है, या आपके ख्याल में हमें खुद अपनी कोई एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइन करनी होगी, नतीजा क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा, ये सवाल है मुख्तसरन। देखिए 5 years जो प्लान होते थे पाकिस्तान के, वो साउथ कोरिया ने अडॉप्ट किए और उससे बहुत उन्होंने तरक्की की, उस ज़माने में वो प्लान वर्केबल थे। अब जब हम बात करते हैं नॉलेज इकॉनमी की, तो यहाँ पे आपको लार्ज स्केल पे नहीं जाना, लार्ज स्केल आपको ज़रूरत है, लेकिन देखें एक आपके शॉर्ट टर्म डिसीजन है, एक मीडियम टर्म, एक लॉन्ग टर्म, और हर चीज़ों को देख के हमने लेके चलना है। अगर शॉर्ट टर्म में हमें रिलीफ चाहिए तो हमें इंडिविजुअल्स को माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू इनेबल करना है, ठीक है। मीडियम टर्म में हमें SMEs को आगे लेके जाना है, जो कि किसी भी इकॉनमी का बैकबोन होते हैं, और लॉन्ग टर्म में फिर हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम एनर्जी शॉर्टेज पे कैसे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लीन टेक, क्लीन एनर्जी पे, सोलर पे, हाइडल पे हम जाएँ। उसके बाद फिर हमें ये भी देखना है कि हम किस तरह अपनी ब्रांड पाकिस्तान बना के वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 आस्पेक्ट हैं जिनको जाहिर बात है कि मैं बहुत ब्रीफली टच कर रहा हूँ, जी जी, किस तरह किया जा सकता है उस पर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब वक्त हमारे पास क्योंकि कम है और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इसको इंशाल्लाह अगली नशिस्त में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर साहब यहाँ पर आएँ, वोरा साहब तो हमारे साथ ही होते हैं, इंशाल्लाह हम इनसे जो है वो सीखते रहते हैं और इनको जो है वो दावत देते रहते हैं, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। शारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पर शामिल गुफ्तगू रहे, बड़ी आम गुफ्तगू हुई है, और ख़ासतौर पर जो मौसी मसाइल हैं, अब लोग इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भेजते हैं, तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलों को डिस्कस किया जाए प्रोग्राम में, ताकि मसाइल को समझने में मदद मिले और ये भी इस चीज़ का तयन हो सके कि इन मसाइल को हल कैसे किया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरा सेगमेंट हमारा जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।